जब जनता ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई, उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पर छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है, उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। कई जगह से ब्लॉक प्रमुखों से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर बैठाया हुआ था, जब अपना पर्चा देने गए या पर्चा को भरने गए उसी समय वहां से निकल करके आए और उन्होंने मारपीट की। इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी गई है, ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गुंडों को खुली छूट दी है। अखिलेश जी, जो साड़ी खींची गई है ये मतलब ऐसा तो कभी कोई तस्वीर आज तक आई नहीं। वो बहन हमें ये मिलके गई है, दोनों प्रस्तावक और ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी, उन्होंने जो घटना उनके साथ जो हुई है इतना अपमानित कभी नहीं हुआ होगा। एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ हो व्यवहार? ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली, और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। वो महिला बोल सकने की स्थिति में नहीं है, हमने बात की, बड़ा ही शॉक में दिख रही है। आपने उनसे बात की, समाजवादी पार्टी आगे क्या करेगी? वो दुखी थी, ये स्वाभाविक है, दुखी तो थी, लेकिन जो उनके साथ घटना हुई वो पूरा बताया उन्होंने। अखिलेश जी, एक वीडियो सुनील जी सायन का आप पीछे नहीं कर रहे, क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे, कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या जिला अधिकारियों ने नहीं हस्तक्षेप किया? क्या पुलिस प्रशासन नहीं मिलकर के इतना अपमानित किए लोगों को? पूरा पुलिस ने अपमानित किया है, और उम्मीद कैसे करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे गुंडों को सड़कों पर छोड़े हुए, जो दूसरों को कहते थे गुंडा पार्टी, आज वो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी निकली तो वो भारतीय जनता पार्टी निकली। माता प्रसाद पांडे जी से मैंने बात की रात में, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया। वो नामांकन नहीं कर सके, अपना पर्चा फाइल नहीं कर सके, सोचिए आप, उनको भी अपमानित होना पड़ा पर्चे के लिए। पॉलिटिकली कैसे जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इन सारे? 2022 में चुनाव घोषित होते ही उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें हटा देगी, उखाड़ फेंक देगी। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिला उत्थान की बात की और आज वो मिलने भी आई थी, तो समाजवादी पार्टी क्या करे? समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से उस महिला के साथ है, उसके सम्मान के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश जी, आप पर कुछ लोग व्यंग कर रहे हैं, पप्पू यादव ने एक व्यंग किया कि बाबू तुमसे ना हो पाएगा, आप तो घर में बैठे हुए, मेरे पास इतने संसाधन होते तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाए, तो मैं जाने क्या कर देता। हाँ, हम पे तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। सर, असदुद्दीन ओवैसी कल आया, उन्होंने बोला MY फैक्टर नहीं चलेगा, A to Z फैक्टर चलेगा, कैसे देखते हैं? और वो आपको घेर रहे हैं सिर्फ। ये जितने आ रहे हैं या जो लोग भी आगे जनता में बात करना चाहते हैं वो सब विकास की बात करना चाहते हैं। आप आधी अधूरी बात मत करिए, आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा, जब आपके वोट के अधिकारी को ही छीन लिया जाएगा। अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का DM SP खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप?
ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की ये आक्रामकता खाली दिखावा है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं